गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन विच वी वर डिस्कसिंग, दैट वाज क्लोज। यस्टरडे यू वर टॉक्ड अबाउट क्लोज। क्लोज को आप सीख गए हैं, आप देख चुके हैं व्हाट इज क्लोज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज। एंड यस्टरडे यू आर गिवन सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू क्लोज। सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज, सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज, सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लोज। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्लोज, देन द क्लोज आर थ्री टाइप्स: प्रिंसिपल क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। एंड सबॉर्डिनेट क्लोज हैज आल्सो थ्री पार्ट्स, दैट इज सबॉर्डिनेट नॉन क्लोज, सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज एंड सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आल्सो ए स्पेशल थिंग दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द क्लोज। ओके, थ्रू ए एग्जाम्पल वी विल क्लियर इट। एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है, द स्टूडेंट्स वेंट होम, द स्टूडेंट्स वेंट होम, वेंट होम व्हेन द बेल रिंग, व्हेन the bell rang। ये कहना चाहते हैं कि जब घंटी बजी स्टूडेंट्स अपने घर चले गए। क्लियर? अब हमें यहां पर यह पहचानना है कि यहां पर यह क्लोज है या नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, देखिए बच्चों, ए क्लोज इज ए पार्ट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज ए पार्ट of a sentence, or it can be a part of a larger sentence. In the clause has a subject and a predicate. बच्चों देखो, clause एक sentence की तरह ही होती है, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था, जब तक two sentences are joined, until two sentences are joined together, they cannot make a clause. ठीक है, तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस ये होता है, the student went home। एक दूसरा सेंटेंस होता है, the bell rang। ओके, मींस ये जो सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट, ठीक है, और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये है जिसमें सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है और फाइनाइट वर्ब है वेंट। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, कंफ्यूजन आ गया होगा, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? आई विल क्लियर इट राइट नाउ। एंड द सेकंड सेंटेंस इज द बेल रिंग। क्लियर? द फाइनाइट वर्ब इज दिस, एक ये फाइनाइट वर्ब। क्लियर? एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, दोनों को वैन के साथ जज किया गया है। सो एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। ठीक है, अब आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो फाइनाइट वर्ब को लेकर के चल रहा है। फाइनाइट वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? बच्चों, फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस रेस्पेक्टिवली। देखिए, एक फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट या टेंस में चेंजिंग करने पर वो वर्ब भी चेंज हो जाती है। एक वो
वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस में चेंज करने पर वो चेंज हो जाती है। हम इसको यहां पर इंडिविजुअली देखते हैं, देखिए इसको अलग अलग पार्ट में देखते हैं। द स्टूडेंट्स वेंट, यही वाला सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वेंट। ठीक है बच्चों, यहां पर जो टेंस यूज हुआ है वो हमने यहां से आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज इज इन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये गो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, एंड सेकंड फॉर्म इज यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन विच टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो हियर द टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। If we use this sentence into present indefinite tense, if we want to use it into present indefinite tense, if we want to convert this sentence into present indefinite tense, what changes will be made? क्या चेंज इसमें किया जाएगा? इसमें चेंज ये किया जाएगा, the students जो यहां पर वैन रखा है ये गो हो जाएगा और ये हो जाएगा गो। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। चलिए अब की बार हम क्या करना चाहते हैं, अब की बार हम चाहते हैं ये जो स्टूडेंट्स है ना ये प्लुरल फॉर्म में, अब की बार हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, द स्टूडेंट। तो क्या चेंज होगा, ये जो गो लिखा है ना ये गोज हो जाएगा, गोज। ठीक है तो बच्चों आप एक बात को देखिए, हमने यहां पर थ्री सेंटेंसेस लिखे हैं, क्लियर। इनमें आप ध्यान दें तो हमने क्या किया कि सेंटेंस हमको ऐसे दिया गया था। ठीक है, हमने सबसे पहले जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस लिखा है उस नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इसके टेंस को चेंज कर दिया। तो टेंस में चेंज होने पर इफेक्ट कहां पड़ा, टेंस को हमने जैसे ही चेंज किया तो इफेक्ट कहां पर आया, इफेक्ट आया यहां। क्लियर, द स्टूडेंट्स एज इट इज, होम एज इट इज। लेकिन जहां वेंट लिखा गया था वो चेंज होकर के गो हो गया, हो गया। वो क्या था, वेंट वर्ब थी सेकंड फॉर्म, ये भी क्या है वर्ब है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। तो टेंस में चेंज करने पर इफेक्ट कहां, वर्ब चेंज हो। समझ में आ गया बात, ध्यान से सुने, टेंस में चेंज होने पर वर्ब चेंज हो गई ना। चलिए अब की बार हमने क्या किया, इस वाले सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, यहां पर प्लूरल था, अब की बार हमने सिंगुलर को प्रेफर किया। तो सिंगुलर को प्रेफर करने पर भी क्या हुआ, होम तो एज इट इज रहा, सब्जेक्ट की जगह रहा, लेकिन वर्ब फिर से चेंज हो गई कि नहीं हो गई। यहां अगर मैं यहां चेंज करता हूं तो भी वर्ब चेंज हो रही है, अगर मैं टेंस में चेंज करता हूं तो भी वर्ब चेंज हो रही है। तो ये वर्ब कैसे है, ठीक है, ये वर्ब यहां पर बच्चों गो है, गो बेस ऑन गो है। ठीक है, तो ये वर्ब गो कैसी है, ये वर्ब गो इसने क्या किया है, ये वर्ब जो है गो ये फाइनाइट वर्ब है। कैसे, क्योंकि अगर हम टेंस में या सब्जेक्ट में, अगर हम टेंस में या सब्जेक्ट में चेंजिंग कर रहे हैं, सिंगुलर की जगह प्लुरल सब्जेक्ट रख रहे हैं या प्लुरल की जगह सिंगुलर करके देख रहे हैं, या टेंस पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो ये ऐसी वर्ब हो गई कि जो टेंस या सब्जेक्ट में चेंज करने पर खुद को चेंज कर रही है,
ओके ये ऐसी वर्ब हो गई है, ये ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस में चेंजिंग करने पर खुद को चेंज कर रही है। तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? दिस टाइप ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। क्लियर? समझ में आई बात? तो बच्चों क्लोज के लिए क्या होना जरूरी है? क्लोज के लिए मेनली आपको दो बातें बताई, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस होंगे जिनमें क्या क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगी और सेंटेंस होगा, ठीक है, जिनमें फाइनाइट वर्ब होगी और सब्जेक्ट होगा और वे एक दूसरे के साथ में जॉइंट होंगे, वे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो वहां पर जो सेंटेंस होते हैं वो क्लोज कहलाते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में एक क्लोज द स्टूडेंट्स वेंट होम, एक क्लोज तो ये है, और दूसरी क्लोज द बेल रिंग, दूसरी क्लोज ये है। क्लियर? सभी को समझ आ रहा है? अब इसी टाइप से एक फ्रेज होता है। तो बच्चों अब हम एक फ्रेज के बारे में बात करते हैं। फ्रेज कैसी होती है? अब आप फ्रेज बोलिए, फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट not complete. Is called a group of words that which makes sense but not complete. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड फ्रेज। अब बच्चों फ्रेज में होता क्या है? देखिए ये जो फ्रेज होती है ना, ये आपको इसी तरीके की दिखाई देगी जैसे कि क्लोज होती है, ठीक है, और लेकिन यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां पर सब्जेक्ट तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां पर फाइनाइट वर्ब कभी नहीं होती। ये यहां पर नोट करने वाली बात है कि यहां पर फाइनाइट वर्ब कभी नहीं होती है, ठीक है। तो सेंटेंस को आप देखिए, एग्जांपल आपको बता दिया गया क्या, माय फ्रेंड फेल In spite of his best effort, my friend failed, मेरा friend failed हो गया, in spite of his best effort, अपना अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी मेरा friend failed हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इफ वी डिवाइड द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स एंड फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड दिस इज सेकंड पार्ट, ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे इन द अबव सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट इज क्लोज। यहां पर पार्ट फर्स्ट में बच्चों क्लोज है, क्यों है,
क्लोज इसलिए है कि यहां पर माई फ्रेंड सब्जेक्ट भी है और फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड को यूज किया गया है, तो यहां पर ये फाइल है। पार्ट फर्स्ट इज क्लोज एंड पार्ट टू इज फ्रेज। पार्ट टू क्या है? फ्रेज है। पार्ट टू फ्रेज इसलिए है क्योंकि पार्ट टू में अगर आप देख रहे हो तो पार्ट टू में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं दी गई है, ठीक है? तो ये क्या है? ये यहां पर फ्रेज है। ये जो फ्रेज होती है ये फ्रेज भी क्लोज की ही तरह, जैसे सबोर्डिनेट क्लोज होती है, उस क्लोज की ही तरह थ्री टाइप्स की होती है, और वो होती है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। देखिए, जो एडजेक्टिव फ्रेज है उस एडजेक्टिव फ्रेज में वो एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है? और जो एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज होता है जो फंक्शन करता है एडवर्ब की तरह, ठीक है? That modifies the meaning of a verb, adjective as verb, adjective or another adverb. For example, देखिए, तो ये जो phrase है, the phrase also has three types. First is noun phrase. Second is adjective phrase and third is adverb phrase. Clear? The three types of phrase. Noun phrase is the phrase that function as a noun, ठीक है? Like a noun phrase can act, can work as a subject, as an object, and as a preposition of verb. Adjective phrase is the phrase that modifies a noun or a pronoun, and adverb phrase is a group of words. Adverb phrase is a group of words that function as adverb, that modifies the meaning of verb, adjective, and another adverb in the sentence. Okay, so you have learned today what is clause, what is phrase. As you are given the sentence, and the sentence is my brother bought a car of white. तो ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस एडजेक्टिव फ्रेज में है। एडजेक्टिव फ्रेज में किस लिए है? क्योंकि यहां पर एक नाउन को मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है? तो ये जो है ना ऑफ व्हाइट कलर, ठीक, ये हमें किसके बारे में बताता है? ये व्हाइट कलर ऑफ व्हाइट कलर, ये जो इतना वर्ड है, ये वर्ड यहां पर क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों है ये एडजेक्टिव फ्रेज? इसीलिए है
क्योंकि ये हमें इस वाले नाउन के बारे में बताता है। इस नाउन को अगर सेंटेंस होता माय ब्रदर बॉट ए कार, मेरे भाई ने एक कार खरीदी, दैट इज नाउन वन। लेकिन कार ऑफ ए व्हाइट कलर, ठीक है ना, उसने कार कैसी खरीदी है, सफेद कलर की, तो कार को मॉडिफाई कर रहा है और व्हाइट कलर, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एडजेक्टिव फ्रेज होती है, वहां पर एडजेक्टिव फ्रेज होती है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस में आपको दिया गया सी डांस इन ए ब्यूटिफुल मैनर, इन ए ब्यूटिफुल मैनर, क्लियर, सी डांस इन ए ब्यूटिफुल मैनर। तो यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर डांस, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, सी डांस, उसने डांस किया इन ए ब्यूटिफुल मैनर, बहुत सुंदर तरीके से, उसने बहुत सुंदर तरीके से डांस किया। तो किसके बारे में बताया गया, डांस को मॉडिफाई किया गया ना, ठीक है ना, कि सुंदर क्या किया, डांस। तो इसीलिए यहां पर ए ब्यूटिफुल, इन ए ब्यूटिफुल मैनर, ये जो वर्ड है इन ए ब्यूटिफुल मैनर, ये क्या है, ये यहां पर एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, क्यों, क्योंकि यहां पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। तो जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, दैट इज एडवर्ब फ्रेज। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, दैट इज, ठीक है, क्या, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। और देखिए एक एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है, वो क्या है, सी लव्स प्ले ऑन गिटार, सी लव्स प्ले ऑन गिटार, ठीक है ना, सी लव्स प्ले ऑन गिटार, वो गिटार बजाना पसंद करती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इस वाले सेंटेंस में जो नाउन फ्रेज है वो एक नाउन की तरह वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो ये वाला सेंटेंस यहां पर क्या होगा, प्ले ऑन गिटार, एग्जाम गिटार पर खेलना, यानी कि गिटार को बजाना पसंद करती है, तो ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, यानी कि जब कोई नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये आपकी जो आज की क्लास थी, ये फ्रेज और क्लोज के लिए थी, ठीक है। द टाइम इज ओवर राइट नाउ, टुमारो आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, वॉच ऑन वीडियो, वीडियो देखते रहिए, बी सेफ, सुरक्षित रहिए, और टाइम पर आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। कल तक के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस कल करेंगे। ओके, बाय, सी यू टुमारो।